Hi guys, so now we are in Rishabh. So obviously how we have reached here, so all the details I'll give. But before that, again welcome to my channel, Trusty Wanderers. So ऊपर का व्यू है और यहाँ पर ये Rishabh का इज द पोस्टर. चलिए अंदर जाते हैं, देखते क्या है. अभी अंदर जाना है सो चलिए मेरे साथ. एक्चुअली हमने 3 रूम लिया है इधर, 2 रूम ऊपर ही है और ये जगह जो है अच्छा है, मतलब दिख के तो वही लग रहा है. सो माय वाइफ इज हैप्पी विद दिस प्लेस. हाउ यू आर हैप्पी? तो ऊपर पहले जाते, ऊपर का रूम आपको दिखाते. चलिए टिंग 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 टिंग. सो थोड़ा सा ऊपर ये इधर और ये है हमारी यहाँ से सामने वाला व्यू. इज इट रियली वंडरफुल? क्लाउड्स, हिल्स, ठीक है, ये वाला सामने. सो फ्रॉम हियर यू कैन सी, तो सुबह का शायद दिखने में और भी अच्छा लगेगा. दिस अ व्यू यू कैन सी एंड नीचे भी आपको लेके जाऊंगा मैं, उधर वो जो बॉनफायर की जगह है, रात को शायद और भी अच्छा लगेगा. सामने पूरा ग्रीन ही ग्रीन वेजिटेशन, बहुत ही अच्छा लगेगा. चलो अभी रूम दिखाते हैं आपको. दिस इज आवर रूम. तो अभी तो अंधेरा, अच्छा दिखाई तो दे रहा है. ये बैग्स रखा हुआ सब नो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है. तो ये है हमारे रहने का जगह. सो अभी नीचे जाते, चलिए नीचे आपको दिखाते. चलिए नीचे की तरफ जाते हैं. वाओ, जस्ट देखिए, मतलब यहाँ पर तो इस बार आके फ्लावर्स से मतलब पूरा प्यार हो चुका है, इतना सुंदर. तो पहले रूम दिखा देते. ये हमारा और एक रूम है जहाँ पर अभी घुस रहे हूँ. यहाँ पे 2 बेड है. हाँ, बेसिकली स्ट्रक्चर सेम ही है, सब सेम ही है बेसिकली. चलिए सामना दिखाता हूँ आपको. हाँ, दिस अ प्लेस वायर यू कैन स्पेंड टाइम. और अब फूल, बट ये है वो फायर प्लेस जो हमारे लिए रात को बहुत ही एंटरटेनमेंट करने वाला है. और ये पूरा सामने वाला व्यू एक बार नीचे से आपको दिखा देते, पूरा रिसोर्ट को कैसा लगता है. ये पूरा स्टेप काट काट के बनाया गया इधर, ये उसके नीचे भी. अब इधर से देखिए पूरा व्यू. ये रिसोर्ट है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं और ये मेरा बीवी है. क्या हुआ? एक्चुअली बहुत ही ठंड है इधर, बहुत ही ठंड है एक्चुअली. हम लोग को लग रहा है क्योंकि शायद आपको देख के भी पता चल रहा है, अभी तक हमने लंच नहीं लिया और ये लगभग 3:48 है अभी. तो पहले हम लोग रिफ्रेश होने का भी अभी समय नहीं है, सिर्फ हाथ धो लेंगे फिर लंच ले लेते हैं, फिर आपके साथ तो गुपचुप होते रहेंगे. और ये वर्चुअल जर्नी में आप हमेशा रहिए हमारे साथ और इन्जॉय कीजिए द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस Rishabh. सो टुमारो आई विल शो यू दैट व्हाट वी कैन गेट हियर. कुछ तो बोलना है यार, कुछ तो बोलो, ऐसा मत कापो सी काप ही रहा है. ठीक है, ओके ओके. चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होके खाना खा लेते हैं. ओके बाय बाय. हाय गाइस, वेलकम टू आवर मोस्ट फेवरेट सेशन. दिस इज आवर मोस्ट फेवरेट वन, बॉनफायर.
एक्चुअली फॉर दिस वी आर वेटिंग फॉर लॉन्ग सो आवर फेमस सिंगर और फेमस सिंगर10 a.m. So now we are having our breakfast. So what is in the breakfast? Actually, it depends. These are all complimentary. So aloo paratha is there, maggi is there, and roti is there. So we prefer to have aloo paratha. That's why we have aloo paratha. But here, you know, aloo paratha with achar, but no mat sabji. So this is something, you know, feeling little bit uncomfortable with it. So okay, don't worry. We will have our breakfast and then again we are meeting with you when we'll leave this place. Hi guys, so now it's time to take goodbye from here, from Rishabh. So now our journey will be in the road. So from there, stay with us. Actually, when we were going to Rishabh that time, we haven't stopped because already it was late. But now, we have stopped here while returning. So यहाँ पर जो नज़ारा है वो सच में देखने का मतलब बहुत ही सुंदर है. Just I'm turning and you see. गाइस सो नाउ हम लोग ऋषभ से डायरेक्ट लाभा जाएंगे और उधर से फिर हम लोग मूर्ति चले जाएंगे. सो हम लोग एकदम सीधा निकल गए ऋषभ से.
लोग जो लाभा जाकर उधर जो मोनास्ट्री है वो भी देखेंगे, पर कोविड प्रोटोकॉल्स होने के कारण वो अभी भी बंद है, तो हम लोग उधर जा नहीं पाए। तो चलिए नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो फिर उस जगह पे जाएंगे और आपको दिखाएंगे उस जगह का जो नज़ारा है वो। हाय गाइस, सो यहाँ पर हम लोग कोला खाम के लिए रुके थे, पर यहाँ पे तो देखा अलग ही बिजनेस टाइप है, मतलब शायद सिंडिकेट का कोई बिजनेस चक्कर है विद आई नो गवर्नमेंट का कोई, शायद यहाँ पे कोई मतलब टूरिस्ट को हेल्प करने वाला कुछ है ही नहीं। यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती आपको गाड़ी लेना पड़ेगा, 1700 रुपये बड़ा गाड़ी लेके आपको जाना पड़ेगा, वरना अगर आप अपना गाड़ी लाए या फिर दूसरी गाड़ी से आए आप इधर अंदर घुस नहीं सकते। पता नहीं कौन सा ये सिस्टम चल रहा है यहाँ पर। चलो व्हेन यू विल गो देयर यू विल विजिट यू विल सी दिस, आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस में ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं ये देखने के लिए, मतलब ऑलरेडी पैसा खर्चा करके गाड़ी को रेंट में लेके लोग आते हैं, फिर इधर आके फिर आपको प्रेशराइज होके और एक गाड़ी लेना पड़ेगा, तो ये तो मतलब ज़बरदस्ती है। तो जस्ट मैं यहाँ पर ये बात बोला, सो यू सी, और अगर कोई भी ऐसा कोई दिख रहा है जो इससे रिलेटेड है जस्ट नॉट टेक एक्शन ऑन इट, क्योंकि बिजनेस चलता रहे तो सही है, लेकिन इसी तरीके से प्रेशराइज करके आपको जो गाड़ी ला रहे हैं उसको भी 1700 रुपये दे के और एक गाड़ी लेके जाना पड़ेगा, इट्स नॉट यू नो गुड। यही बोलना था क्योंकि अभी खुला काम तो हम जा नहीं पाए तो आपको दिखा भी नहीं पाया। ओके तो पुलिस जो चेक पोस्ट में जो खड़ा था वो तो बंदा सिर्फ ऑब्जर्वर था, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब उसको इतना दम भी नहीं कि आगे आके बोले कि भाई ये सब है नहीं, तो सिस्टम है और ये सब जगह पे अपने आप ही सिस्टम बन गया। सो आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम आए तो केयरफुल होके आइए, बाइक लेके आइए तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं, कि बाइक लेके आराम से घुसने देगा, लेकिन चलो जबरदस्ती तो जोर जबरदस्ती। चलिए लावा में तो हमने मतलब ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर जो भी जगह था एक जगह पे तो कोविड प्रोटोकॉल होने के कारण हम लोग रुक ही नहीं पाए, और एक जगह पे कोला खाम का तो ऑलरेडी आपको बताया। तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो ये जो जगह अभी अनएक्सप्लोर रहा हमारे लिए तो उस समय हम लोग एक्सप्लोर कर लेंगे। गाइस अलविदा लेने का वक्त आ चला है, तो अलविदा लेने से पहले एक बहुत ही ना इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो वीडियो है हमने शूट किया वो भी ये जो सेकेंड वेव कोरोना के आने से बहुत पहले, तो अभी अगर ज़रूरी ना हो तो आप घर से बाहर मत निकलिए, घर में बैठिए एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो, और हाँ सैनिटाइजर्स और डबल मास्क ज़रूर मेंटेन कीजिए, और सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए। बाय बाय।